Dear students, our next topic is molecular rearrangements involving migration to electron deficient carbon. In this lecture, we will discuss about introduction to molecular rearrangements, classification of molecular rearrangements, rearrangements involving carbon migration to electron deficient carbon, and in this case, we will discuss about the Wagner-Mirren rearrangement and Pinnacle-Pinnaclone rearrangement. First of all, introduction to molecular rearrangements. The transformation which occur when a group or an atom gets detached from one part of the molecule and reattached at some other reactive site of the same molecule or another molecule is called molecular rearrangement. Molecular rearrangement se kya murad hai? Actually, molecular rearrangement jo hai, ye ek transformation hai, ye ek organic transformation reaction hai, jisme ek reactant generally dusre reactant mein jab convert hota hai, to is duran किसी मॉलिक्यूल में से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो एक जगह से डिटैच हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल के किसी एक पार्ट से वो डिटैच हो जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है और वो किसी दूसरी जगह पे जाके उसी मॉलिक्यूल में या किसी और मॉलिक्यूल में किसी दूसरी रिएक्टिव साइट पे जाके दोबारा अटैच हो जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के किसी पार्ट से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो उसका अलग हो जाना और वो दोबारा जाके किसी दूसरे साइट के ऊपर, यानी मॉलिक्यूल की किसी दूसरी रिएक्टिव साइट पे या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके अगर वो अटैच हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी इसमें जो है वो जो ग्रुप जो है अलग होता है, वो जिस मॉलिक्यूल से अलग होता है उसी में दोबारा वो आ सकता है, लेकिन वो किसी दूसरी पोजीशन पे आएगा, यानी जिस पोजीशन से वो अलग होता है उसके ऊपर वो दोबारा नहीं आता, बल्कि किसी दूसरी पोजीशन पे आता है जो उसके लिए ज्यादा सूटेबल हो, यानी जो रिएक्टिव साइट होती है। इसी तरीके से जब वो अलग हो जाता है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के किसी पोजीशन के ऊपर जाके अपने आप को रीअटैच कर ले। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। इन सिंपल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इज रेफर्ड टू द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन ए मॉलिक्यूल और फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम की माइग्रेशन होती है। अब माइग्रेशन कहाँ पे होती है, एक मॉलिक्यूल के एटम में से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो माइग्रेट करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, किसी उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है किसी दूसरे पार्ट के ऊपर, या जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ग्रुप, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ग्रुप को, ग्रुप के माइग्रेट होने को भी हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कंसिडर करते हैं। यानी इसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि इसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम माइग्रेट करता है, ठीक है, अब वो किसी मॉलिक्यूल के किसी एटम से जाता है, माइग्रेट करता है वहां से, अब वो माइग्रेट कहां पे करेगा, वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर भी माइग्रेट कर सकता है, यानी उसी मॉलिक्यूल के किसी दूसरे एटम के ऊपर, किसी दूसरे पार्ट के ऊपर भी जा सकता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में भी जाके अपने आप को अटैच कर सकता है। सो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में भी इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे अब ये दोनों डेफिनेशन है, इनमें हमें एक बात मिल रही है कि जो ग्रुप माइग्रेट करता है वो माइग्रेशन के बाद अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर रीअटैच हो सकता है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल में वो रीअटैच होगा। तो अगर वो अपने ही मॉलिक्यूल में रीअटैच होगा तो वो अलग टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, और जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल में के साथ वो रीअटैच होता है तो वो डिफरेंट रीअरेंजमेंट होगी। सो इस लिहाज से अगर देखें तो रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है, यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के ओवरऑल टू टाइप्स हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में माइग्रेटरी ग्रुप का जो फ्यूचर होता है
ये वो कहां पे जाता है, इस लिहाज से हम रीअरेंजमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड नंबर टू इज इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट. माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दिस शुड बी वन. ठीक है, यहां पे ई लगा लें. वन एटम टू अनदर एटम विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट. ठीक है, यानी अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एक एटम से चला जाए और उसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर किसी दूसरी साइड पे चला जाए, तो इस तरह की रीअरेंजमेंट को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कंसिडर करेंगे. यानी माइग्रेटरी ग्रुप एक मॉलिक्यूल के एक पार्ट से एक पोजीशन से डिटैच होता है और उसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरी साइड या किसी दूसरी पोजीशन या पार्ट के ऊपर रीअटैच हो जाता है, तो इस तरह की रीअरेंजमेंट को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं. यानी जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो मॉलिक्यूल से बाहर नहीं जाता, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है. बिफोर माइग्रेशन वो किसी और पोजीशन पे होता है और आफ्टर माइग्रेशन किसी और पोजीशन पे, यानी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है लेकिन वो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहता है. तो इस तरह की रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट. While migration of an atom or group of atoms from one molecule to another molecule is called intermolecular rearrangement. अगर ऐसा हो कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह की रीअरेंजमेंट को हम इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहेंगे. यानी इसमें माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वो मॉलिक्यूल से अलग होकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को रीअटैच करता है. तो इस तरह की रीअरेंजमेंट को इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल. ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन. इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट द माइग्रेटरी ग्रुप नेवर लीव्स द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग माइग्रेशन. ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो मॉलिक्यूल को लीव नहीं करता, मीन कि वो उसी मॉलिक्यूल में यानी एक पोजीशन से चला जाता है और दूसरी पोजीशन में, एक पोजीशन से डिटैच होता है दूसरे पे रीअटैच हो जाता है, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बाहर नहीं जाता, याद रखिएगा. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू एन एडजेसेंट एटम. अब जो माइग्रेशन में सबसे कॉमन टाइप की माइग्रेशन होती है उसको हम 1-2 शिफ्ट कहते हैं, जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, यानी पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे चला जाता है, जिसको हम 1-2 शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, यानी जो कार्बन जिन पे माइग्रेशन हो रही होती है, जिससे माइग्रेशन हो रही होती है और जिस पे हो रही होती है, वो दोनों साथ साथ होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं. ठीक है, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका रिलेशनशिप 1-2 होता है. ठीक है, इसको फिर हम 1-2 शिफ्ट कहते हैं. अगर एक एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन नंबर 1 से कार्बन 3 पे जा रहा है तो 1-3 शिफ्ट होगा, 4 पे जा रहा है वो 1-4 होगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन माइग्रेशन है या मोस्ट कॉमन शिफ्ट है वो 1-2 शिफ्ट है, यानी एक एटम से साथ वाले एटम के ऊपर जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम का माइग्रेट करना. द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी और माइग्रेटिंग एटम्स आर कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, यानी मोस्टली जो माइग्रेटरी ग्रुप्स होते हैं ये माइग्रेटिंग एटम्स होते हैं. माइग्रेटिंग एटम की बात करें, यानी जो एटम माइग्रेट कर रहा होता है वो आमतौर पर क्या होता है, कार्बन या हाइड्रोजन होता है मोस्टली, यानी वो कार्बन हाइड्रोजन, इसके अलावा भी एटम हो सकते हैं. ठीक है, यानी माइग्रेशन ऑफ हैलोजन हो सकता है, माइग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, माइग्रेशन ऑफ सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिलती है. इनकी एग्जाम्पल जो है वो रेयर होती है, यानी जो बाकी एलिमेंट का मैंने नाम लिए ये इनकी आपको लिमिटेड एग्जाम्पल मिलेंगी. ए ग्रुप में माइग्रेट टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर टू एन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन. ठीक है, अब जो ग्रुप माइग्रेट करता है, ठीक है, जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है तो वो कहां पे माइग्रेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन वाली एग्जांपल हम स्टार्ट में डिस्कस करेंगे और
बहुत ज्यादा एग्जांपल हैं जिसमें माइग्रेटरी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे भी जा सकता है, ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन के ऊपर भी ग्रुप जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स इन्वॉल्व द वन टू शिफ्ट ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, ठीक है, विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। यहां पे मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर जो रीअरेंजमेंट है वो आमतौर पर ज्यादा होती है, और इसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो वन टू शिफ्ट होती है इसमें अल्काइल या एराइल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शिफ्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में जो है वो शिफ्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, कार्बन जिसके ऊपर उसने जाना होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। माइग्रेटरी ग्रुप क्या होता है, अब कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स में हमें काम आएंगे। माइग्रेटरी ग्रुप, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड माइग्रेटरी ग्रुप। यानी माइग्रेटरी ग्रुप क्या होता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल का एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये यानी उसका उसकी माइग्रेशन हो जाती है, ठीक है, एक जगह से वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, तो इस तरह के ग्रुप को हम माइग्रेटरी ग्रुप कहते हैं, यानी जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है उसको हम माइग्रेटरी ग्रुप कहते हैं। माइग्रेटरी ओरिजन, माइग्रेटरी ओरिजन क्या होता है, द पोजीशन एट विच द माइग्रेटरी ग्रुप इज प्रेजेंट बिफोर माइग्रेशन इज कॉल्ड माइग्रेटरी ओरिजन। माइग्रेटरी ओरिजन से क्या मुराद है, वो पोजीशन जहां पे माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशन से पहले मौजूद होता है उसको माइग्रेटरी ओरिजन कहते हैं। माइग्रेटरी टर्मिनस क्या होता है, द पोजीशन एट विच द माइग्रेटरी ग्रुप रीचेस आफ्टर माइग्रेशन इज कॉल्ड माइग्रेटरी टर्मिनस। यानी वो पोजीशन जहां पे माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशन के बाद पहुंचता है, यानी माइग्रेशन करके जाता है जहां पे, उस जगह को, उस पोजीशन को हम माइग्रेटरी टर्मिनस कहते हैं। जिस पोजीशन से वो जा रहा होगा वो ओरिजिन होगा, जहां पे वो जाएगा वो माइग्रेटरी टर्मिनस कहलाता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स विद रेस्पेक्ट टू देयर ईज एंड माइग्रेशन और माइग्रेशन पावर इज कॉल्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से क्या मुराद है कि जब आपके पास जो एक से ज्यादा किस्म के ग्रुप माइग्रेट हो सकते हो तो उनमें एक ऑर्डर होता है, यानी उसमें हम ये कहते हैं कि ये ग्रुप आसानी से माइग्रेट करेगा इसके मुकाबले में, तो ये जो इनके दरमियान ऑर्डर बनेगा, इनका जो रिलेटिव ऑर्डर बनेगा या रिलेटिव ईज होगा माइग्रेशन का, इसको हम आमतौर पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं। जिस तरह बहुत सी रीअरेंजमेंट में हम देखें कि उसमें अल्काइल या एराइल को अगर कंपेयर करें तो एराइल की माइग्रेशन आसान होती है एज कंपेयर टू अल्काइल, तो ये सारी चीजें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर रीअरेंजमेंट में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। अब रीअरेंजमेंट की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है, जिस तरह अभी हमने स्टार्ट में कहा जी रीअरेंजमेंट जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, इसी तरह रीअरेंजमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी ओरिजिन, माइग्रेटरी टर्मिनस के लिहाज से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की कि माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कि हमारी मेन टाइप है, अभी हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन ऑफ कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है, तो इस तरह यानी जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो भी कार्बन है, जहां पे जा रहा है वो भी कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस लिहाज से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि माइग्रेटरी इसमें क्या होता है कि मतलब माइग्रेटरी जो टर्मिनस है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले हम पढ़ेंगे, फिर माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेस एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कार्बन भी आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिच हम डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे, इस तरह भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरतीब से यानी हम लेक्चर के इस चैप्टर के कंटेंट्स पढ़ेंगे तो वो क्लासिफिकेशन भी इसमें की जा सकती है माइग्रेटरी ओरिजिन और माइग्रेटरी टर्मिनस के लिहाज से, वो क्लासिफिकेशन साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन यहां पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे आप देखें
सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स हैं, मैकेनिज्म के लिहाज से मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट फोर टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट्स, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट्स एंड सिग्मोट्रॉफिक रीअरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट में हमारे पास जो है वो एक्चुअली ये किस लिहाज से होते हैं, इसमें हमने ये देखना है कि माइग्रेटरी ग्रुप हमारा किस फॉर्म में माइग्रेट होता है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट तो आप समझ लें कि माइग्रेटरी ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में माइग्रेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म में होगा। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो माइग्रेटरी ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, वेदर इलेक्ट्रॉन देर जाएगा। ठीक है, जिस जगह पे जाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, लेकिन माइग्रेटरी ग्रुप खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं जी जब माइग्रेटरी ओरिजिन जो है वो नाइट्रोजन होगा और टर्मिनस कार्बन होगा, यानी नाइट्रोजन टू कार्बन माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें स्टीवन रीअरेंजमेंट है, फिर ऑक्सीजन टू कार्बन माइग्रेशन विटेज रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन टू कार्बन में फ्राइज रीअरेंजमेंट भी आ जाता है। ओके, इसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन माइग्रेशन जो है वो सबसे पहले देखते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, जिसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली टाइप हमने ये डिस्कस करनी है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, और इसमें कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, यानी कार्बन माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है, इसमें पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट मोस्ट कॉमन, फिर उसके बाद बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। ठीक है, वैगनर मीरमैन रीअरेंजमेंट है, फेब्रेस्की रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, यानी जो टर्मिनस होगा वो नाइट्रोजन होगा, ओरिजिन कार्बन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होगा। कर्टिस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन, लॉसन, स्कीमेट। ठीक है, और बिकमैन रीअरेंजमेंट, फिर इसी तरह कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, बायर विलिजर, डेकन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिच होगा। ठीक है, बल्कि जिस कार्बन से माइग्रेशन होगी वो उसका जो माइग्रेटरी ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ओके, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है रीअरेंजमेंट में ऑल्टन रीअरेंजमेंट, ऑक्सीजन टू कार्बन माइग्रेशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसमें फ्री रेडिकल में हॉफमैन भी हो सकता है। ठीक है, हॉफमैन यानी फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मल्टीएस रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन टू कार्बन माइग्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो है वो यानी इसमें कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन भी हो सकती है और कार्बन टू ऑक्सीजन भी हो सकती है। ठीक है, तो इनकी कुछ एग्जांपल जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हर टाइप को हम समझ लें। ओके, रीअरेंजमेंट्स इन्वॉल्विंग कार्बन माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है, यानी सबसे पहली टाइप ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी हम बात करेंगे तो माइग्रेशन ऑफ कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी सी टू सी माइग्रेशन हम इसे कंसिडर करेंगे। कार्बन टू कार्बन, यानी कार्बन माइग्रेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाएगा। ठीक है, जो माइग्रेट करेगा वो जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होगा और जहां पे जाएगा वो पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो इसमें सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैगनर मीरमैन रीअरेंजमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द रीअरेंजमेंट्स विच अकर ड्यूरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग द चेंज इन कार्बन स्केलेटन थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन्स आर कलेक्टिवली नोन एज वैगनर मीरमैन रीअरेंजमेंट। वैगनर मीरमैन रीअरेंजमेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये उन रिएक्शन के दौरान आमतौर पर होते हैं जिनमें कार्बन स्केलेटन चेंज होता है कार्बोनियम आयन की रीअरेंजमेंट की वजह से। यानी हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उसमें कार्बन स्केलेटन जो है वो प्रोडक्ट के कार्बन स्केलेटन से डिफरेंट होता है, यानी प्रोडक्ट में कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट में कोई और स्केलेटन होगा, प्रोडक्ट में कोई और स्केलेटन होगा। अब वो कैसे चेंज होगा, एक्चुअली उसमें उस रिएक्शन के दौरान एक कार्बोनियम आयन बनता है जो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है, इस वजह से कार्बन स्केलेटन में चेंज वाकई हो जाता है, इन कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाता है। वैगनर वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट द फॉर्मेशन ऑफ कैम्फीन फ्रॉम बोर्नियोल और बोर्नाइल क्लोराइड इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये वैगनर जो है
चूंकि ये जो रीअरेंजमेंट है ये दो साइंटिस्ट के नाम पे, वेगनर और मिलवेन, ठीक है। तो वेगनर जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था, फर्स्ट केमिस्ट था, जिसने जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कैम्फीन जो है वो किससे, बोर्नियोल या बोर्नाइल क्लोराइड, इन दोनों से कैम्फीन बन सकता है, ठीक है, इससे भी बनता है इससे भी। तो उसने इस फॉर्मेशन को स्टडी किया और इस स्टडी के दौरान जो है उसने ये बात जो है वो रिकग्नाइज की, ये बात उसने जो है ऑब्जर्व की कि इस रिएक्शन के दौरान जो है वो रीअरेंजमेंट होती है, और ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इस बात को जो है वो कंफर्म किया कि इस यानी कन्वर्जन ऑफ बोर्नियोल इनटू कैम्फीन या बोर्नाइल क्लोराइड इनटू कैम्फीन जो है इसमें, इन दोनों केसेस में अगर आप इसको कैम्फीन में कन्वर्ट करें या इसको कैम्फीन में कन्वर्ट करें तो इसमें रीअरेंजमेंट होती है, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इस बात को रिकग्नाइज किया। मेयरवन आल्सो फाउंड दैट द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट अकर्ड इन द कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड आइसोबोर्नाइल क्लोराइड इंटरकन्वर्जन। तो मिरवन ने, दूसरा साइंटिस्ट था जिसने यानी इस रीअरेंजमेंट की, इस रीअरेंजमेंट के बारे में, इसने भी बताया कि जब जो है वो कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड को हम आइसोबोर्नाइल क्लोराइड में चेंज करते हैं या आइसोबोर्नाइल क्लोराइड को कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड में चेंज करते हैं, तो इन दोनों केसेस में जो है वो रीअरेंजमेंट वाक्य होती है और कार्बन स्केलेटन चेंज होता है, जिस तरह यहाँ पे हमने बात की थी कि कार्बन स्केलेटन में यहाँ पे ओवरऑल चेंज वाक्य होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट भी वाक्य हो सकता है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो फिर कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता, हाइड्राइड शिफ्ट के अलावा कोई कार्बन बेस्ड सब्स्टिट्यूएंट यानी अल्काइल एराइल शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाएगा। He generalized these types of rearrangements, indicating that they also occur in compounds other than bicyclic terpenoids and also in various substitution, elimination and addition reactions. यानी इसने ये भी कहा कि यहाँ पे, एक तो इसने ये कहा कि इस interconversion में अगर आप इसको इसमें convert करें, ये इसको इसमें, इसमें rearrangement होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये, चूंकि यहाँ पे ये टर्पिनाइड्स का केस आता है, तो टर्पिनाइड जो है वो यानी टर्पिनाइड में तो ये रीअरेंजमेंट इसने भी जो है वो डिस्कस कर ली, इसने भी कर ली, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसने ये भी कहा कि ये रीअरेंजमेंट बायसाइक्लिक टर्पिनाइड के अलावा भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। यानी दीज टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट इंडिकेटिंग दैट दे आल्सो अकर इन द कंपाउंड अदर देन बायसाइक्लिक टर्पिनाइड्स, ठीक है। यानी बायसाइक्लिक टर्पिनाइड के अलावा भी ये कंपाउंड के अंदर ये रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व की जा चुकी है, ठीक है। और इन लोगों ने इस बात को जो है कंफर्म किया कि दूसरे रिएक्शन के अंदर भी ये चीज हो सकती है, यानी दूसरे कंपाउंड में भी हो सकता है, ये सिर्फ टर्पिनाइड का केस नहीं है, उसके साथ और भी बहुत से ऐसे रिएक्टेंट हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जिनमें ये रीअरेंजमेंट वाकई होती है। And also in various substitution, elimination and addition. याद रखिएगा बहुत से substitution reaction, बहुत common substitution reaction भी जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें carbonium ion rearrange हो रहा होता है, यानी ये rearrangement वहां पे take place होती है। इसी तरह हम elimination reaction कर रहे होते हैं, वहां पे भी carbon skeleton change हो रहा होता है, उसमें भी rearrangement हो रही होती है, और addition reaction के दौरान भी ये rearrangement वाकई होती है। अभी हम कुछ example देखेंगे उसमें ये confirm हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन के दौरान ये रीअरेंजमेंट बहुत कॉमन है। ओके, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इसकी, ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे हमने एक एडिशन रिएक्शन देखना है और इस एडिशन रिएक्शन के दौरान जो है ये रीअरेंजमेंट टेक प्लेस होती है। 3,3-dimethylbut-1-ene, ठीक है, ये एक हमारे पास एल्कीन है। तो इसमें ओवरऑल होता क्या है कि इसमें ये वाला जो आपको मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, प्रोडक्ट में आपको ये यहाँ पे नजर आएगा, यानी अगर इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनेगा तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। और इसमें चूंकि अब मैकेनिज्म जब हम देखते हैं तो कन्फर्म हो जाता है कि इसमें वेगनर मिलवेन टाइप रीअरेंजमेंट, यानी वेगनर मिलवेन रीअरेंजमेंट हो रही है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे इसके शो किया है ये विदाउट रीअरेंजमेंट बनता है, ठीक है। लेकिन विद रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पर मेजर होता है एज कम्पेयर टू विदाउट रीअरेंजमेंट, बट इस प्रोडक्ट को भी साथ ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्व किया जाता है, जो यानी रीअरेंजमेंट जो है उसका एक एविडेंस है हमारे पास कि इसमें रीअरेंजमेंट हुई है, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट ना होती तो आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलता, ये प्रोडक्ट आपको कभी भी ना मिलता, ठीक है।
इसमें चूंकि यहां पे अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन की एडिशन होनी है, तो हाइड्रोजन तो मार्कानी का रूल के मुताबिक यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जो क्लोरीन है वो सेकंड स्टेप में क्लोराइड की फॉर्म में अटैच होगा, तो वो यहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल रीअरेंजमेंट नहीं होगी, उसने यहां पे आना है, ये जिस तरह ये प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर जहां से मिथाइल आएगा वहां पे ये क्लोरीन आएगा, तो आपको फिर रीअरेंजमेंट के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज 2-chloro-2,3-dimethylbutane। मैकेनिज्म देखें इसका, 3,3-dimethylbut-1-ene यानी एल्कीन में एडिशन रिएक्शन HCl काम कर रहा है। इट इज वेरी सिंपल कि HCl मार्कानी का रूल के मुताबिक ऐड होगा। मार्कानी का रूल कहता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल अटैक एट दैट कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसपे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ने इधर ऐड होना है, ये CH3 बन जाएगा। यहाँ पे जाहिर है ये बॉन्ड हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, यानी ये वाला जो मिथाइल है इन तीनों में से कोई भी एक मिथाइल जो है वो माइग्रेट करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन नंबर वन है, ये टू है, ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज वन दिस इज टू, एक इस कार्बन से इस पे माइग्रेशन हो रही है, सो दिस इज वन टू शिफ्ट, इसको वन टू मिथाइल शिफ्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैगनर मीरवन में मिथाइल शिफ्ट बहुत कॉमन है। तो ये वाला मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, वन टू शिफ्ट होगा, ये वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट ओवरऑल यहाँ पे यानी इस स्टेप में हो रहा है, और उसके बाद जो है आपके पास ये वाला जो कार्बोनियम आयन बनेगा। अब ये जो कार्बोनियम आयन, इसमें रीअरेंजमेंट क्यों हुई, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, द ड्राइविंग फोर्स इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, एंड यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोनियम आयन, आफ्टर रीअरेंजमेंट यू विल गेट द टर्शियरी कार्बोनियम आयन दैट इज मोर स्टेबल देन दिस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो अब यहाँ पे इस कार्बोनियम आयन से यानी जो रीअरेंजमेंट से बना, इसके साथ जब क्लोराइड आके अटैच होगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा 2-chloro-2,3-dimethylbutane, ठीक है, जो रीअरेंजमेंट से बन रहा है। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया है। अब आप इस स्केलेटन को देखें, इसको देखें, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें, टोटली आपको स्केलेटन चेंज नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसमें ये विदाउट रीअरेंजमेंट हम बना रहे हैं, इसमें उसी पोजीशन पे हम क्लोराइड का एडिशन शो कर रहे हैं जहां पे जो पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट में आया था। तो विदाउट रीअरेंजमेंट आपके पास 3-chloro-2,2-dimethylbutane बनेगा, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर के तौर पर बनेगा, यानी रीअरेंजमेंट जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है अगर वो अनस्टेबल हो तो अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल कर लेते हैं, स्पेशली कार्बोनियम आयन। एग्जाम्पल नंबर टू, ओवरऑल रिएक्शन, इसमें आप देखें, अब ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको कहा था ये एडिशन रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट होती है, एलिमिनेशन में भी, सब्स्टिट्यूशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एडिशन की एग्जाम्पल देख ली, ठीक है, इसके साथ अभी हम सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें आप देखें न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड बहुत कॉमन एक कंपाउंड एल्काइल हैलाइड है, इसमें हम जो है वो H2O जो है उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, यानी Br जो है वो H से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना एक बहुत कॉमन ये कन्वर्जन है, तो अल्काइल हैलाइड जो है वो उसको यहाँ पे हम HNO3 की मौजूदगी में जब ट्रीट करेंगे इस वाटर के साथ, जो कि एक एज ए निक्लोफाइल भी काम करता है एज ए सॉल्वेंट, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस भी हम कहते हैं। तो इसमें आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन इस जगह पे था, ठीक है, तो ये ओ एच मुख्तलिफ पोजिशन पे आ रहा है, सो दिस इज फाउंड विद रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट से बना, ये विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें ब्रोमीन जिस पोजिशन पे है उसी पे ओ एच ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज विदाउट रीअरेंजमेंट 2-2-dimethylpropane-1-ol, विद रीअरेंजमेंट आपके पास 2-methylbutane-2-ol बनेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये रीअरेंजमेंट हुई। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में जब होता है तो लीविंग ग्रुप जाता है, यानी ये Br नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, और Ag पॉजिटिव इसको निकालने में हेल्प करता है, यानी इसको HBr में ये आसानी से कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो है वो क्या होगा कि यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा, 1-2 शिफ्ट यहाँ पे, यानी मिथाइल शिफ्ट है ये 1-2 शिफ्ट, बल्कि इस तरफ हम ये शो कर रहे हैं। जब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन था, यू नो दैट प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल, बल्कि लीस्ट स्टेबल आप कह सकते हैं,
तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए टर्शियरी कार्बोनियमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज टर्शियरी कार्बोनियमाइन, दिस इज मोर स्टेबल। इसके साथ जब वाटर एज ए न्यूक्लोफाइल अटैक करेगा तो वाटर जो है उसका जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वो भी हमने रिमूव करना है। पहले तो वो ऐड हो गया, फिर उसके बाद डी प्रोटोनेशन वाटर से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास यानी जो प्रोटॉन रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, जो कि रीअरेंजमेंट से बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं इसका स्केलेटन, इसका देखें तो उसमें हमें कंफर्म हो रहा है कि कार्बन स्केलेटन चेंज हुआ है। नाउ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन केस ऑफ वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इधर क्या होगा, यानी अगर डिफरेंट किस्म के आपके पास माइग्रेटरी ग्रुप हो तो कौन सा आसानी से माइग्रेट करेगा, अब ये हम देखते हैं। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट टू डिटरमिन द रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट शोड दैट एराइल ग्रुप हैव फॉर ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन अल्काइल ग्रुप आर हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ है कि एराइल ग्रुप जो है उसकी माइग्रेशन आसान होती है, बहुत इजी होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्काइल आर हाइड्रोजन, ठीक है। एन एरोमेटिक रिंग कैन असिस्ट इन द फॉर्मेशन, आप इसकी वजह क्या है, ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली एक एरोमेटिक रिंग क्या होता है, एन एरोमेटिक रिंग कैन असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनियमाइन इंटरमीडिएट कॉल्ड फिनोनियमाइन, ठीक है, बाय डीलोकलाइजिंग द पॉजिटिव चार्ज। इसमें होता क्या है कि ये जो एरोमेटिक रिंग होता है वो कार्बोनियमाइन की फॉर्मेशन को असिस्ट करता है। कैसे असिस्ट करेगा कि जिस कार्बन पे कार्बोनियमाइन बनेगा उसका पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर भी डीलोकलाइज होगा। तो इस असिस्टेंस को आमतौर पर इनकाइमेरिक असिस्टेंस भी कह सकते हैं और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी एनजीपी भी हम कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन एक रिएक्शन होता है इन केस ऑफ स्पेशली अल्काइल हैलाइड में, ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है उनके रिएक्शन में। आपने इसको पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये आता है, ठीक है, बल्कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक मेन टॉपिक है इसमें। फिर जो यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप होता है वो कोई हेट्रो एटम मोस्टली हो सकता है, या कोई आपके पास जो है वो एरोमेटिक रिंग, जिस तरह यहाँ पे एरोमेटिक रिंग का असिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। सो द जनरल ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में भी एराइल अल्काइल हाइड्रोजन, मीन के एराइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है यानी एराइल बहुत आसानी से माइग्रेट करता है एज कम्पेयर टू अल्काइल, अल्काइल आसानी से माइग्रेट करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर आपके पास कहीं पे अल्काइल और एराइल होंगे तो आपने याद रखना है कि एराइल की माइग्रेशन आसान होगी एज कम्पेयर टू अल्काइल, ठीक है। तो बाकी जो हाइड्रोजन है उसमें वेरिएशन हो सकती है कि कुछ जगहों पे जो है वो इस तरह की सिचुएशन होती है कि वहां पे हाइड्रोजन आसानी से माइग्रेट हो, हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में आएगा, तो हाइड्राइड शेफ भी कहीं पे फेवरेबल हो सकती है, वो मतलब वेरी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही आपको सिचुएशन मिलेगी, बाज जगहों पे आपको हाइड्राइड शेफ भी करनी पड़ सकती है। लेकिन जनरली अगर बात करें तो एराइल और अल्काइल में एराइल जो है वो आमतौर पर मोस्ट फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर अल्काइल और एराइल का भी जो है वो चेंज हो सकता है, इसमें भी वेरिएशन हो सकती है। लेकिन वेरिएशन की मेन रीजन एक आपको बता देता हूँ कि बाज केसेस में हमारा जो लीविंग ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है, जिस तरह N2 पॉजिटिव, ठीक है, डाइजोनियम कैटायन जो होता है वो एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है। तो ऐसे केस में जो है वो फिर चूंकि फौरन जो आपका कार्बोनियम आयन है वो बन जाता है, ठीक है, मतलब उसको फिर किसी सिस्टेंस की जरूरत उस तरह नहीं होती। तो इस वजह से जो है वो वहां पे फिर कोई भी ग्रुप जो है वो माइग्रेट वहां पे, यानी अल्काइल भी एराइल से पहले माइग्रेट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। सो ये डिपेंड करता है कि आपका लीविंग ग्रुप किस नेचर का है। लेकिन जनरली जो बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एराइल जो है वो फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन द एराइल ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ माइग्रेशन, वाइल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इन एराइल ग्रुप डिक्रीजेस द रेट ऑफ माइग्रेशन। ओवरऑल तो आपका जो एराइल ग्रुप है उसमें माइग्रेशन आसान होती है, लेकिन आप एराइल भी वेरी कर सकते हैं, यानी आपके पास एक ही केस में दो किस्म के एराइल हो सकते हैं, एक के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, एक के साथ विदड्राइंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो होता है वो फेवरेबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन एराइल इंक्रीजेस द रेट ऑफ माइग्रेशन, उसमें जो है माइग्रेशन आसान होती है। अगर एराइल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट उसे बनाएगा तो वहां पे माइग्रेशन मुश्किल होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन रिच फॉर्म में जाना होता है, तो
तो अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसे रिच बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की माइग्रेशन आसान नहीं होगी। द माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इज आल्सो पॉसिबल, ऑलरेडी बता दिया आपको। कन्वर्जन ऑफ 3-methyl-1-butene टू 2-chloro-2-methyl-butene इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इज एन एग्जांपल ऑफ 1-2-hydride शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना है इसमें कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट से कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता, तो बाज केसेस में जो है वो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे राइल अल्काइल शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट भी वाक्य हो सकता है, लेकिन वहां पे कार्बन स्केलेटन में चेंज वाक्य नहीं होगी। तो आप इस रिएक्शन को ओवरऑल लिखें, फिर इसका मैकेनिज्म ट्राई करें, इसमें आप समझ जाएंगे कि हाइड्राइड शिफ्ट किस तरह हो रहा है और हाइड्राइड शिफ्ट का जो है वो कार्बन स्केलेटन में कोई चेंज आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन याद रखिएगा कार्बन स्केलेटन में यहाँ पे कोई चेंज वाक्य नहीं होगी। ओके, इन काइमेरिक असिस्टेंस आल्सो नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये किस तरह यानी एक एराइल ग्रुप जो है वो असिस्ट करता है, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द अल्काइलाइट, अल्काइल ब्रोमाइड हमने लिया। इसमें आपके पास दो किस्म के माइग्रेटरी ग्रुप हैं, एक मिथाइल और एक एराइल मीन फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे सबसे पहले BR जाएगा, कार्बोनियम आयन ये बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे ये जो कार्बोनियम आयन है इसके बनने में भी ये ग्रुप रोल प्ले करता है। अब इसको थोड़ा सा शो करने के लिए यहाँ पे इसकी स्टेबलाइजेशन को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन एक्चुअली आप इसको डायरेक्ट भी इधर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को जब शिफ्ट करेंगे तो ये उस वक्त निकलता है। ये तो मैंने आपको मतलब थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको पहले ही निकाल दिया है, लेकिन आप इसको पहले इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं फिर इसको निकाल सकते हैं, यानी असिस्टेंस इसकी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये आपके पास एक 3-membered रिंग बन जाएगा, इंटरमीडिएट के तौर पर ये बनता है। यानी यहाँ पे जो आपके यहाँ पे हमने बात की थी कि ये फिनोनियम आयन, ठीक है, फिनोनियम आयन कैसे बनता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे चला गया है, फिनोनियम आयन बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस कार्बन के थे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डी लोकलाइज कर रहा है ये रिंग, तो उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजिशन पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजिशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड परमानेंट फिर ब्रेक होगा और मिथाइल सॉरी फिनाइल ग्रुप आप देखें यहाँ पे इसका ये वाला बॉन्ड जो स्टार्ट में यहाँ पे बना हुआ था, ये वाला ये बॉन्ड ये यहाँ पे आके ब्रेक होता है। तो उसके बाद आप इसको इस तरह लिखें, ये इस तरह, इसमें भी ये शो हो रहा है कि फिनाइल स्टार्ट में इधर था, अब माइग्रेशन के बाद वो 2 पोजिशन पे चले गया, 1-2-phenyl शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल दिस इज एक्चुअली एनकैमेरिक असिस्टेंस, केस में हम ये देख सकते हैं कि किस तरह फिनाइल ग्रुप जो है वो असिस्ट करता है लीविंग ग्रुप को रिमूव करने में, और इसके साथ साथ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उसको देने के लिए किस तरह वो काम करता है। तो इस की वजह से फिनाइल का जो है वो माइग्रेशन इजी होती है। सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ वेगनर मीरमन रीअरेंजमेंट, फर्स्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन इज सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स, इस रीअरेंजमेंट के थ्रू हम अल्कीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और अल्कीन किस तरह हम सिंथेसाइज, आप जानते हैं अल्कीन अल्काइललाइट से भी बनते हैं, अल्कोहल से भी बनते हैं। सबसे पहले अल्कोहल से अल्कीन को हम देखते हैं, 2-2-dimethylprop-1-ol, ठीक है, दिस इज न्यू पेंटाइल अल्कोहल। इससे हम अल्कीन कैसे बनाएंगे, इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, ठीक है, OH की ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में चला जाएगा, ये कार्बोनियम आयन आपके पास बनेगा। अब ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा, स्टेबल नहीं होगा, एक मिथाइल शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होगा, बल्कि एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, रिमूव होगा, तो आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज 2-methyl-but-2-ene, ठीक है। तो इसमें किस तरह ये रिएक्शन है दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने इसकी प्रोटीनेशन करनी है, प्रोटीनेशन के बाद इसको रिमूव कर दोगे, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा, उसके बाद CH2 ग्रुप यानी CH2 पॉजिटिव प्राइमरी ये मिथाइल इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आपके पास टर्शियरी कार्बोनियम आयन होगा जो ज्यादा स्टेबल है। फिर आपने बेस के साथ इधर से एक प्रोटॉन निकाल देना है तो आपके पास यहाँ पे 2-methyl-but-2-ene बन जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक और अल्कोहल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसके इसमें कैसे रिएक्शन होगा, इसमें सबसे पहले आपने इसकी प्रोटोनेशन करनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो इसको रिमूव कर देना है, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इधर से एक मिथाइल शिफ्ट करेंगे इधर, ये सेकेंडरी कार्बोनियमाइन होगा, जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये टर्शरी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इधर से आपने एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रिमूव कर देना है बेस के साथ, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपके पास 1,2-डाइमिथाइलसाइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट भी इसका बन सकता है। अब आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, इसमें एक्चुअली आपका जो मिथाइल है उस वो शिफ्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से आपका ये वाला रिंग वाला कार्बन जो है यानी यहाँ से ये शिफ्टिंग करेगा। तो ये जब इधर शिफ्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब इसकी शिफ्टिंग होगी तो ये आपका जो कार्बन है ये बाहर चला जाएगा रिंग से, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है रिंग कंट्रेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये रिंग कंट्रेक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने प्रोटॉन का रिमूवल करना है, और प्रोटॉन के रिमूवल के बाद आपके पास ये एल्केन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो कन्वर्जन ऑफ 9 फ्लोरीन कार्बिनोल इनटू फिनेंथ्रीन, ठीक है। फिनेंथ्रीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप इस कंपाउंड को, इसमें भी ये रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें रैंक एक्सपेंशन होगी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें रैंक एक्सपेंशन रैंक कंट्रेक्शन दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रोटोनेशन करनी है, कार्बोनियमाइन बनाना है, फिर आपने रैंक का बॉन्ड ब्रेक करना है, उसको शिफ्ट करना है इस रैंक के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटॉन को रिमूव करना है, तो एट द एंड यू विल गेट दिस एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड इनटू आइसोबोर्नाइल क्लोराइड, इसमें भी ये रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है, जो कि स्टार्ट में आपको बताया था कि ये रीअरेंजमेंट जब डिस्कवर हुई थी तो इसके डिस्कवरर थे जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इस कन्वर्जन के बारे में इस कन्वर्जन का ऑलरेडी जिक्र किया है कि इसमें रीअरेंजमेंट होती है। तो कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड जो है कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका ये IUPAC नेम है, लेकिन कॉमनली हम इसको कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। इसको जब आप एक्वस सॉल्वेंट में इसके साथ एक्वस सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो इसका सबसे पहले क्लोराइड निकलेगा, एज यूजुअल इसका कार्बोनियमाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला जो बाड़ है ये ब्रेक हो रहा है, ये एरो यहाँ पे मैं नहीं लगा सका, लेकिन आपने ये एरो लगाना है, यहाँ से एरो आपने लगाना है इसकी तरफ, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड जब यहां से टूट जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर डेफिनेटली ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यानी ये आपके पास एक और कार्बोनियमाइन बन गया, ठीक है, जब ये इधर शिफ्ट होगा। तो अब उसके बाद जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आप इसको ऐसे शो करें या ऐसे, ऐसे ज्यादा ईजी होगा आपके लिए, एक्चुअली ये फिर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेगा, जब आपके पास इसका कार्बोनियमाइन बनेगा नया आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का होगा। तो इसको फिर आप इस तरह लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी पोजीशन है वो इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यानी इसमें एक ये कार्बन है और एक ये, तो ये वाला कार्बन आपका ये है यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इस कार्बन के साथ वाला जो कार्बन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन इसके साथ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर एक मिथाइल है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। इसी तरह उस मिथाइल के साथ वाले कार्बन के साथ एक कार्बन है जिसके साथ दो मिथाइल है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, बाकी ये वाला तो आपको यहीं पे नजर आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोराइड जो है इसको दे देना है, क्लोराइड यहाँ पे आएगा तो अब आप इसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म बन जाएगी, दैट इज आइसोबोर्नाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें रीअरेंजमेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1-2 शिफ्ट यहाँ पे 1-2 अल्काइल शिफ्ट हो रहा है, रिंग का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सेंसेस ऑफ कैम्फीन फ्रॉम आइसोबोर्नियोल, आइसोबोर्नियोल से कैम्फीन आप बना सकते हैं, जिस तरह स्टार्ट में इसका भी हमने जिक्र किया, इसमें भी रीअरेंजमेंट होती है, कैसे होगी, दिस इज आइसोबोर्नियोल, ये इसका कॉमन नेम है या IUPAC नेम है। इसमें जो है जब आप इसकी भी प्रोटोनेशन करोगे तो प्रोटोनेशन में OH को रिमूव करना है, गुड लिविंग ग्रुप, चूंकि OH बैड लिविंग ग्रुप होता है, जब आप उसकी प्रोटोनेशन करते हो OH2 की फॉर्म में, यानी H2O आसानी से निकल जाता है तो ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है ड्यू टू प्रोटोनेशन। तो जब ये रिमूव होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने रिंग वाला जो है, याद रखिएगा कि रिंग वाला बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट करना है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे
ऑटोमेटिकली आपने ये याद रखना है कि आपने एक्चुअली इस पोजीशन से इस बाउंड को शिफ्ट किया था, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो आपने क्या करना है कि इधर से एक आपने प्रोटॉन को निकालना है, ठीक है। कहां से निकालना है, यहां से, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। एक्चुअली ये आपका मिथाइल ग्रुप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यहां पे ये है और यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप। इससे आपने एक प्रोटॉन को निकालना है, जब निकालोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप इस तरह शो कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। इसको मतलब आप इस तरह आप शो करेंगे, अभी नया स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो है आपने इसको दूसरी तरह भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चेयर फॉर्म में जो है वो आसानी से मतलब एग्जिस्ट करता है, उसमें इसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप इसको इस तरह भी थ्योरेटिकली शो कर सकते हैं, अगर आप इजी लगता है आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये ऐसे एक ही बात है। दिस इज एक्चुअली कैम्फीन, ठीक है, आइसोबोर्नियोल से कैम्फीन आपने बना दिया। ओके, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट इज पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी कार्बन माइग्रेट कर रहा है विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकते हैं, इसलिए आपने ये याद रखना है, इसमें वो भी एग्जांपल यहां पे कंसिडर होगी, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या होता है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, नाम से जाहिर है इसमें पिनाकोल जो है वो पिनाक्लोन में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी ये एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1,2-diol फॉलोड बाय 1,2-shift, ठीक है, यहां पे बाय लिखते हैं, फॉलोड बाय 1,2-shift इन द ओरिजिनल डायोल टू फॉर्म कीटोन्स इज टर्म्ड एज पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। इसमें होता क्या है, इट इज एक्चुअली एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1,2-diol, ठीक है। इसमें 1,2-diol की एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन होती है, यानी एसिड की मौजूदगी में उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है 1,2-diol, जो डायहाइड्रेट अल्कोहल होता है। तो उसमें इस रिएक्शन के दौरान जो है 1,2-shift वाक्य होती है, ठीक है, यानी एक अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो है वो 1 पोजीशन से 2 पे शिफ्ट हो जाता है, और आपका जो ओरिजिनल डायोल है, और यानी जो स्टार्ट में जो आप रिएक्टेंट लेते हैं, जो आपका कीटोन बनता है, उससे स्ट्रक्चर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें रीअरेंजमेंट होती है। In 1860, Fittig observed that when 2,3-dimethylbutane, 2,3-diol, commonly known as pinacol, ये जो compound है, याद रखिएगा, pinacol, pinaclone rearrangement में एक compound start में use हुआ, जिसकी base पे ये rearrangement introduce हुई, और वो compound था pinaclone, उसका IUPAC name ये आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन commonly इसको pinaclone कहते हैं, was treated with hard 30% sulfuric acid as a result. 3,3-dimethylbutane-2-ol, commonly known as pinaclone, was formed. So, इससे यानी जो पिनाकोल होता है, इससे पिनाक्लोन बना, और 1860 में फिटेज ने ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया, और इस दिस टाइप ऑफ एसिड कैटलाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीअरेंजमेंट ऑफ 1,2-diol, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो पिनाक्लोन है, जो कि 1,2-diol है, उसमें रीअरेंजमेंट, जिसको वेसिनल डायोल भी कहते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट होती है, 1,2-shift होती है। तो पिनाक्लोन पिनाकोल किसमें चेंज हो जाएगा, पिनाक्लोन में पिनाकोल एक डायहाइड्रिकल कोल होगा, पिनाक्लोन एक कीटोन होता है। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट इज एनालॉगस टू वैगनर बीरमैन रीअरेंजमेंट, यानी ये वैगनर बीरमैन की तरह ही है। तो किस लिहाज से हम एनालॉगस कह सकते हैं कि इसमें भी कार्बोनियमाइन रीअरेंजमेंट है, उसमें भी कार्बोनियमाइन रीअरेंजमेंट था, इस तरीके से हम इसको एनालॉगस कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें जो है वो आपका जो स्टार्ट में ये रीअरेंजमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, उस वक्त पिनाकोल को पिनाक्लोन में कन्वर्ट किया गया, और उसमें उस रीअरेंजमेंट की वजह से पिनाकोल पिनाक्लोन का नाम दिया गया। लेकिन अब इसकी इस एग्जाम्पल के अलावा भी जो है वो हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, यानी और भी एग्जाम्पल इसकी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सी एग्जाम्पल है। ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये वो कंपाउंड है जिसका हमने जिक्र किया, दैट इज पिनाकोल, ठीक है। तो इसमें जो है वो इस कंपाउंड में 2,3-dimethylbutane, 2,3-diol, ठीक है। तो
इसको जब हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, 30% सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कि आपको बताया, और 3,3-dimethylbutan-2-1 बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे एक कार्बन पे दो मिथाइल थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन पे तीन मिथाइल है, इसमें एक कार्बन पे दो मिथाइल थे, अब इसमें एक है, तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इससे एक मिथाइल इस पे चला गया, 1-2 शिफ्ट हुआ। मैकेनिज्म क्या है इसमें, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करें, इसका पॉजिटिव आयन प्रोटॉन और बाइसल्फेट आयन, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी प्रोटोनेशन करनी है किसी एक OH की, आप दोनों में से यहाँ पे किसी की भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल डायोल, तो इसमें आप किसी एक को भी कर सकते हैं, बल्कि इसके चारों ग्रुप आपके पास यहाँ पे सेम है, चारों जो मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है या जो माइग्रेशन ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसने इसकी प्रोटोनेशन कर देनी है, तो ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप बन गया, OH बैड लिविंग ग्रुप होता है, प्रोटोनेशन से गुड लिविंग बन जाता है, वाटर की फॉर्म में भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से आप शो कर दे -H2O, ठीक है, यहाँ पे लिखने साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड आप ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो रहा है। उसके बाद ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, ठीक है, यानी अब ये असिस्ट करेगा इस ग्रुप को शिफ्ट करने में, आप देख सकते हैं दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब ये जो प्रोटॉन है जो कि एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पे ये जाएगा बाइसल्फेट से निकालेगा और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म में चला जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करता है इस रिएक्शन में, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो पिनाक्लोन आपका प्रोडक्ट बन गया। The driving force for 1,2 methyl shift comes from the tendency of initially formed carbocation intermediate to form a stable oxonium ion. इसके driving force क्या है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो carbonium ion बना था start में, ये tertiary carbonium ion था, ठीक है? अब tertiary में भी rearrangement हो रही है, तो driving force क्या है? Driving force क्या है कि आपका जो टेंडेंसी ऑफ इनिशियली फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट टू फॉर्म ए स्टेबल ऑक्सोनियम आयन के, जाहिर है अब ये बन गया तो अब ये हम ये कह सकते हैं ये तो स्टेबल है, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज है कि जो इसको इसमें कन्वर्ट करने में मजबूर कर रही है? तो एक्चुअली इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकता है, जब यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेगा तो आपके पास ऑक्सोनियम आयन बनेगा, यानी ऑक्सोनियम आयन बनेगा जब, तो डेफिनेटली ऑक्सोनियम आयन बनने के लिए इस ग्रुप को शिफ्ट होना है, तो ये एक किस्म का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाला लोन पेयर इसको पुश करेगा, यहाँ से निकालेगा, ठीक है, मजबूर करेगा कि यहाँ पे यहाँ से आप निकल जाओ, तो जब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो मिथाइल यहाँ पे माइग्रेट करके इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो जो इनिशियली फॉर्म कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो स्टेबल ऑक्सोनियम आयन डेफिनेटली वो ऐसे ही बना सकता है। अब इसके अंदर अगर आप रेजोनेंस करें तो ये इस तरह हो सकता है, इस तरह दोनों फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हैं। तो इस ऑक्सोनियम आयन के बनने की वजह से ये आपका ये जो मिथाइल है या कोई भी यहाँ पे जो ग्रुप होता है वायराइल भी हो सकता है, उसकी माइग्रेशन होती है, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन बनने की वजह से आप ये कह सकते हैं, ये उसकी स्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे आप एक बहुत अहम रोल है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहाँ पे, इसका बहुत अहम रोल है, इसकी वजह से ये माइग्रेशन हो रही है, और एट द एंड यू विल गेट द कीटोन, फाइनल प्रोडक्ट आपका कीटोन होगा। अदर कंपाउंड्स विच बिहेव लाइक 1,2 डायोड्स एंड अंडरगो पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। अब याद रखना है कि पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट की जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल है जिसकी बेस पे रीअरेंजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, वो तो ये एग्जाम्पल है, इसमें पिनाकोल पिनाक्लोन में चेंज हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ यही एग्जाम्पल होगी, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जिनमें इसी टाइप की रीअरेंजमेंट होती है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें आमतौर पर यह होता है कि आपका ऐसा जो है वो रिएक्टेंट होना चाहिए जिसमें आउट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसमें तो हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक OH होगा दूसरा कोई और होगा, यानी NH2 हो सकता है हैलोजन, बट देयर मस्ट बी ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, उसको जाना चाहिए, और एक OH जरूरी है क्योंकि आपने कीटोन बनाना है, मोस्टली इसका प्रोडक्ट कीटोन होगा, तो उसके लिए एक OH को होना जरूरी है, तो दूसरा आपके पास कोई भी हो सकता है, यानी दूसरा जो आपका ग्रुप है वो कोई गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है, यानी पिनाकोल टाइप कंपाउंड आपका कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा ही कंपाउंड लेंगे जिसमें दो OH होंगे,
इसके अलावा भी आप कंपाउंड ले सकते हैं। ये स्टार्ट में सिर्फ ये एक एग्जांपल थी, बाकी इसके पास आने वाले मतलब उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल है जो इससे मुख्तलिफ है, लेकिन वो बिहेव इसी की तरह कर रही है, उनमें भी ये रीअरेंजमेंट होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रिएक्टेंट फॉर पिनाकोल पिनाक्लोर रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज अ डायोन। ठीक है, सम अदर कंपाउंड कैन ऑल्सो अंडरगो पिनाकोल पिनाक्लोर टाइप रीअरेंजमेंट, बट आउट ऑफ टू फंक्शन ग्रुप एट वन टू पोजिशन वन मस्ट बी OH, अदर फंक्शन ग्रुप में बी गुड लीविंग ग्रुप अदर देन OH। यानी इसमें मोस्टली ये होता है कि एक तो OH होना चाहिए, दूसरा आपके पास कोई और हो सकता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक OH की जगह हमने NH2 लगा दिया, तो ये भी पिनाकोल पिनाक्लोर रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप जाएगा ये ग्रुप, यानी जो आपने यहाँ पे चेंज करके लगाया है ये जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये ग्रुप जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टार्टिंग मटीरियल, लेकिन आपने बाकी अगर आप देखें कार्बन स्केलेटन आपने सेम लिए हो, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह आप सेम ग्रुप लगा सकते हैं डेफिनेट, यानी ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, स्पेशली जो आपका डायोल है वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विथ सिमेट्रिकल डायोल इट डज नॉट मैटर विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड लीव्स नॉर विच ग्रुप माइग्रेट्स। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सिमेट्रिकल केस है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सिमेट्रिकल ये केस है, अगर आप देखें तो इसको यहां से आप डिवाइड करें तो इसकी दोनों साइड सेम आ रही है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डायोल के केस में वो कह रहा है कि कोई मतलब अगर आपके पास डायोल है, डायोल मीन वो केस है जिसमें दोनों ग्रुप आपके OH है, तो उसमें ये कोई भी प्रोटोनेट हो सकता है, यानी इनमें से ये भी प्रोटोनेट है, लेकिन जो प्रोटोनेट हो आपके पास होगा तो आप जानते हैं कि उस पोजीशन पे कार्बोनियोमाइन बनेगा और दूसरी पोजीशन से ग्रुप उस पे आएगा, तो इसमें यानी आपके पास कोई भी प्रोटोनेट हो सकता है। दूसरी बात कि आपका कोई ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है, अगर ये प्रोटोनेट होगा तो यहां से ग्रुप माइग्रेट करेगा, अगर आपका ये प्रोटोनेट फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटोनेट होगा तो यहां से ग्रुप माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल के केस में इसमें एप्टीट्यूड कोई यहां पे नहीं होता। हाउएवर, ठीक है, यहां पे ई लगा दें, हाउएवर हाउएवर when an unsymmetrical diol rearranges then there will be a choice as to which hydroxyl group will be preferentially removed। ठीक है, यहां पे इसको वेल कर ले, however when a unsymmetrical diol rearranges then there will be a choice as to which hydroxyl group will be preferentially removed। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल डायोल होगा, अभी आपने याद रखना है आपके पास डायोल सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। सिमेट्रिकल में तो एप्टीट्यूड नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी OH प्रोटोनेट हो सकता है, कोई भी माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट कर सकता है, लेकिन जब आपके पास जो है वो अनसिमेट्रिकल डायोल होगा तो वहां पे फिर जो है वो चॉइस होगी कि कौन सा वाला जो है वो प्रोटोनेट होना है और कौन से वाले में नहीं होना। जब उसकी चॉइस होगी तो इसका मतलब है माइग्रेटरी ग्रुप की भी चॉइस होगी। ठीक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप लॉस्ट शुड बी द वन दैट लीव्स बिहाइंड द मोर स्टेबल कार्बोनियोमाइन। याद रखिएगा कि इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड करेगा आपके कार्बोनियोमाइन पे, तो वही वाला ग्रुप आपका जाएगा जिससे स्टेबल कार्बोनियोमाइन बनेगा, जो स्टेबल कार्बोनियोमाइन बनाएगा वही आसानी से जाएगा। ठीक है, यानी कार्बोनियोमाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर यह चीज डिपेंड करेगी इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल डायोल। कार्बोनियोमाइन स्टेबिलिटी रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड द रिएक्शन कंडीशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। जाहिर है आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्बोनियोमाइन की स्टेबिलिटी रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के कौन सा ग्रुप माइग्रेशन कर सकता है कौन सा नहीं कर सकता वो फिर उस लिहाज से एंड रिएक्शन कंडीशन इन चीजों के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी उस तरह का फिर आपका प्रोडक्ट किस नेचर का बनेगा। ठीक है, आप कौन सा प्रोडक्ट आपका बन सकता है वो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। बेकमैन इन्वेस्टिगेटेड दिस रीअरेंजमेंट इन अनसिमेट्रिकल पिनाकोल्स एंड फाउंड दैट एराइल ग्रुप माइग्रेट प्रेफरेंशियली इन कंपटीशन विद अल्काइल ग्रुप।
एज यूजुअल अगर आप देखें वेगनर मीरमन में भी ऐसा ही था कि वहां पे भी जो है वो एराइल की माइग्रेशन आसान थी एज कम्पेयर टू अल्काइल। तो यहाँ पे भी इस साइंटिस्ट ने ये इन्वेस्टिगेट किया और इसने ये कंक्लूड किया कि जो अल्काइल ग्रुप है उसकी माइग्रेशन सॉरी एराइल ग्रुप की माइग्रेशन अल्काइल के मुकाबले में ईजी होती है। दस द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे एराइल जो है वो आसानी से माइग्रेट होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आसानी से माइग्रेट होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल। ठीक है, तो इसमें ये केस जो है वो मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन कहीं पे हो सकती है लेकिन जनरली आपको यही मिलेगा। अनसिमेट्रिकल पिनकोल यहाँ पे हमने लिया जिसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो है वो आपके यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड पे आपको फिनाइल ग्रुप है, इस साइड पे मिथाइल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इधर एक मिथाइल होता है, इधर फिनाइल होता है, इधर मिथाइल, इधर वो भी सिमेट्रिकल केस बन जाता है, लेकिन ये आपके पास अब अनसिमेट्रिकल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें आपने जो है वो ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है, अभी हमने बात किया कि फिनाइल की माइग्रेशन ईजी है। ठीक है, तो अगर फिनाइल की माइग्रेशन ईजी है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटोनेशन इसकी होगी, क्योंकि जिस कार्बन पे फिनाइल होगा उस कार्बन के ओएच की प्रोटोनेशन नहीं होगी, साथ वाले की होगी, तो प्रोटोनेशन फिर इसकी होगी। ठीक है, दिस विल बी प्रोटोनेटेड प्रेफरेंशियली, तो ये प्रेफर्ड है फॉर माइग्रेशन। ठीक है, क्यों? दिस इज ड्यू टू एनकाइमेरिक असिस्टेंस। मेन बात अगर आप देखें तो एनकाइमेरिक असिस्टेंस यहाँ पे भी होगा और वही केस जो पहले हमने डिस्कस किया वो उसी तरह यहाँ पे फिनाइल भी असिस्ट करेगा, इनमें से कोई भी माइग्रेट कर सकता है। सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ दिस पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सबसे पहली एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरिकली हंड्रेड कीटोन्स विच आर यूजुअली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बाय अदर मेथड्स। ठीक है, आमतौर पर ये जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है इसका प्रोडक्ट तो कीटोन होता है, लेकिन कीटोन तो और भी बहुत से मेथड से हम बना सकते हैं, लेकिन यहां से जो कीटोन हम बनाते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में बनाते हैं वो दूसरे किसी मेथड से बनाना मुश्किल होता है और इस मेथड में ये आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, स्टेरिकली हंड्रेड कीटोन अदर मेथड से मुश्किल से बनते हैं, यानी वहां पे मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन ये वो रिएक्शन है जो बहुत आसानी से जो है वो जो हमारे पास स्टेरिकली हंड्रेड कीटोन है उसको बना देता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया जी, सिमेट्रिकल पिनाकोल लिया और इसमें चारों ग्रुप हमने फिनाइल लगा दिए, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इसमें फिनाइल को हम माइग्रेट करवा रहे हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन के ऊपर, तो इसको प्रोटोनेट करेंगे फिर, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और एस्टिक एसिड की मौजूदगी में आयोडीन एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। ठीक है, आयोडीन एस्टिक एसिड मिलके इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और हीट देंगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे 1,2,2,2 टेट्राफिनाइल इथेनॉन बन गया, यानी ये एक्सटेरिकली 100 कीटोन है, जो कि अदर मेथड से बनाना आपके लिए मुश्किल है लेकिन इसमें आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ स्पाइरोकीटोन्स। स्पाइरोकीटोन देखें आप कि इसमें जो है हमारे पास ये वाला जो स्टार्टिंग मटीरियल है जो कि एक डायोल है। ठीक है, ये एक डायोल है लेकिन चूंकि इससे हम स्पाइरो कंपाउंड बनाएंगे तो दैट इज एक्चुअली 1,1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइन साइक्लोपेंटेनॉल। इसकी प्रोटोनेशन करें इनमें से किसी एक मतलब चूंकि दोनों ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को आप अपनी मर्जी से प्रोटोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनेशन करने के बाद आपके पास वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और आपके पास नया प्रोडक्ट बनेगा, उसमें दो रिंग होंगे, एक 6 मेंबर्ड होगा, एक 5 मेंबर्ड होगा और वो उनके एक एटम जो है रिंग का कॉमन होगा। तो जो इस तरह के सिस्टम को हम स्पाइरो रिंग्स कहते हैं, यानी स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं, तो दिस विल बी एक्चुअली स्पाइरो 4,5-6 ऑन आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इस केस में आपका जो प्रोटोनेशन कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे हुई और कौन सा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उस लिहाज से। ठीक है, एक्चुअली जिस पोजीशन से आपका कीटोन बनता है, ठीक है, उसी कार्बन से आपका माइग्रेटरी ग्रुप जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कीटोन अगर यहां से बन रहा है, लेट से हम इस रिंग से इसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिंग से बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हमारा ये वाला OH प्रोटोनेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस रिंग से बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये OH प्रोटोनेट होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे अगर आप देखें तो इसको आपने यहां पे छोड़ दिया, लेट से इस साइड से आपने यानी रिंग एक्सपेंशन की है तो इसकी आपने प्रोटोनेशन की,
तो आपके पास यहां पे फिर कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको रीअरेंज करने के लिए यहां से आप शिफ्ट कर दें, ये यहां से दोनों साइड से आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, इधर से करें ये इधर से। लेकिन जब आप शिफ्टिंग करोगे तो ये आपकी फाइव मेंबर रिंग है, तो ये छठा कार्बन भी आपकी रिंग के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ट्राई कीजिएगा, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन नंबर थ्री इज सेंसेस ऑफ आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड जो है वो किस तरह जो है वो हम बना सकते हैं, इसकी सेंसेस कैसे की जा सकती है। इसके लिए याद रखिएगा कि हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 डायोल रिएक्टेंट होगा, जो कि एक अनसिमेट्रिकल डायोल है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल आप देख सकते हैं कि इसके एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे पे 2 मिथाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी आएगा, मैंने आपको कहा था कि अगर अनसिमेट्रिकल होगा वहां एप्टीट्यूड होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रेफर होगा, कौन सा जाएगा, वो यहाँ पे अभी हम बात डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे। देखें वही कंडीशन आप दे रहे हैं, एसिड हीट। तो इसमें आपके पास क्या होगा जी, अब यहां पे अगर आप देखें तो इस कार्बन के ऊपर लेट्स है आपके पास ये, चूंकि ये वाला आपका जो ऑक्सीजन है वो यहां पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन यहां पे नहीं है। सो प्रोटोनेशन किसकी हुई है, जिस कार्बन से आपके माइग्रेटरी ग्रुप ने जाना है उस कार्बन के ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसने रहना होता है उसकी प्रोटोनेशन नहीं होती, ठीक है। ये भी याद रखने, ये हमने यहां पे भी बात की थी कि इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो अब ये ग्रुप जो है वो आपका माइग्रेट होना है, ठीक है। इस ग्रुप ने माइग्रेट करना है तो डेफिनेटली आपका प्रोटोनेशन इसकी होगी, ठीक है। यानी ये ग्रुप अगर माइग्रेट होगा तो प्रोटोनेशन आपने इसकी करनी है, तो तब ये माइग्रेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब ये प्रोटोनेट करेगा तो इसके ऊपर कार्बोनियम आयन बनेगा, तो ये आसानी से शिफ्ट होगी, ये रह जाएगा। यानी जिस कार्बन से माइग्रेटरी ग्रुप जाता है उसका जो ऑक्सीजन होता है वो रिमूव नहीं होता, ठीक है, वो वहीं पे रहता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसमें आपका ये वाला जो यहां पे अगर आप इस केस को देखें, सॉरी इसमें थोड़ा सा यानी ये केस डिफरेंट है। यहां पे आपने ये देखना है कि आपका जो माइग्रेटरी ग्रुप है, माइग्रेटरी ग्रुप वो यहां से आएगा, ठीक है। माइग्रेटरी ग्रुप यहां से आएगा आपके पास, इस पोजीशन से आएगा, ठीक है। हाइड्राइड यहां पे आएगा। तो इसमें क्या है, क्या सिचुएशन हो रही है कि इसमें ये वाला जो आपका कार्बन है इसका जो OH प्रोटोनेट हो जाएगा। जब ये प्रोटोनेट होगा ये यहां से निकल जाएगा तो इसका कार्बोनियम आयन बनेगा। उसके बाद यहां से एक हाइड्राइड इधर शिफ्ट होगा। इसमें अभी ये भी कंफर्म हो रहा है कि हमारे पास अल्काइल और हाइड्राइड में अगर कंपैरिजन करें तो जो हाइड्राइड है उसकी शिफ्ट इजी है, इसके मतलब अल्काइल, यानी यहां पे इस एग्जांपल से ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे 2 मिथाइल पहले से थे, अब OH तो यहाँ पे वाटर की फॉर्म में चला गया, हाइड्राइड इधर आ गया, इधर आपके पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड एक ग्रुप बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा उलट करें, यानी आप लेट से आपने माइग्रेशन हाइड्रोजन की, अगर आप मिथाइल को माइग्रेट करें, लेट से वैसे मैंने पहले आपको कह दिया मिथाइल को, लेकिन आपने क्योंकि प्रोडक्ट के लिहाज से अगर हम देखें मिथाइल माइग्रेट नहीं करा बल्कि हाइड्राइड माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको करेक्ट कर लें। मतलब मैं यहाँ पे मैंने जो इसकी बात की थी आपने इसको कंसिडर करना है कि यानी जिस कार्बन के आपका माइग्रेटरी ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन नहीं जाता, ठीक है। जिस कार्बन का माइग्रेटरी ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन नहीं जाता है, और जिस कार्बन के ऊपर माइग्रेटरी ग्रुप ने जाना होता है उसका ऑक्सीजन चला जाता है, ये उसका जो ग्रुप उस पर होता है वो चला जाता है, क्योंकि जाहिर है उसकी पोजिशन जाकर उसने ऑक्यूपाई करनी होती है, ठीक है। अब यहां से ये चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच फॉर्म में जाता है, तो उसकी जगह पर यहां से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हाइड्राइड जब इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास जो है वो फिर रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड होगा, ठीक है। और अगर लेट से यहां से फॉर एग्जांपल आप इसकी शिफ्टिंग करोगे तो फिर डेफिनेटली जब यहां से आपने इसकी शिफ्टिंग करनी है, इस ऑक्सीजन को फिर आपने छोड़ना है, जब इसको छोड़ना है तो ये आपका चला जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो डेफिनेटली जब यहां से आप शिफ्ट करोगे तो आपके पास यहां पर फिर कीटोन बनेगा, योर प्रोडक्ट विल बी कीटोन, आपको फिर कीटोन हासिल होगा। लेकिन यहां पर चूंकि जो प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया गया है इस रिएक्शन में, ये कमर्शियली इसको बनाया जाता है, ठीक है,
कंपाउंड को, इस एल्डिहाइड को इस मेथड से कमर्शियली बनाया जाता है, यानी आप कमर्शियल मेथड इसको, इंडस्ट्रियल मेथड इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फेवरेबल है तो इसलिए ये बन रहा है, और इससे जो एप्टीट्यूड है वो भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमने कंपेयर किया था फिनाइल और अल्काइल को, या मिथाइल को आपने कंपेयर किया फिनाइल के साथ, जी फिनाइल फेवरेबल था। अब हमने मिथाइल और हाइड्राइड को कंपेयर किया तो हाइड्राइड शिफ्ट फेवरेबल है एज कम्पेयर टू मिथाइल। इस एग्जाम्पल से ये चीज प्रूव हो रही है, और इसका मैकेनिज्म जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, एप्लीकेशन नंबर 4, रैंक एक्सपेंशन। हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें अगर आप देखें, ये पिनाकोल टाइप कंपाउंड है, ये एग्जैक्ट तो पिनाकोल नहीं है लेकिन ये भी उसी तरह का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पोजीशन पे ओएच है, दूसरे पे माइनो ग्रुप है। तो इसकी एज यूजुअल सबसे पहले आपने क्या करना है, चूंकि इस ग्रुप को आपने निकालना है अब यहाँ पे, तो इसकी डायजोटाइजेशन कर ले। डायजोटाइजेशन करेंगे तो डायजोनियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा। उसके बाद ये N2 पॉजिटिव, आपको बताया था ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ से जाएगा तो आपके पास ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, और क्लोराइड को भी आप निकाल दें क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में जाते हैं, N2 भी लिख दें, N2 न्यूट्रल फॉर्म में नाइट्रोजन जा रहा है जो कि बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद जो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका कार्बोनियम आयन बनेगा इसमें लोन पेयर, देखें वही एक्सोनियम वाली बात की, ये असिस्ट करता है मतलब इस माइग्रेशन को, तो इससे फिर स्टेबल एक्सोनियम आयन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो अब इस कार्बन के पांचवा बांड ये बन रहा है, तो जाहिर इनमें से एक बांड, इन दोनों में से एक ब्रेक होगा। तो लेट से हम इस साइड से ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ से ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जाहिर है इस कार्बन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है अगर ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट ना होता तो। ओके, इसके बाद यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, जब ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास ये वाला कार्बन भी रिंग के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास पहले ये 6 मेंबर रिंग था, अब आपके पास 7 मेंबर रिंग हो जाएगा, यानी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, यानी जिसमें रिंग एक्सपेंशन हमने करनी होती है, ऐसे बहुत से रिएक्शन होते हैं, तो उसमें इस तरह के सबस्ट्रेट अगर हमारे पास है तो पिनाकोल पिनाक्लोन टाइप रीअरेंजमेंट होगी, तो आपको एक्सपेंशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करना है, क्लोराइड को ले आए, HCl की फॉर्म में आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, और योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी साइक्लोहेप्टानोन। ठीक है, आप इस इस रिएक्टेंट से, ये वाला जो रिएक्टेंट आपने लिया था इससे आपने साइक्लोहेप्टानोन आपको मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका साइक्लोहेप्टानोन होगा। ठीक है, तो रैंक एक्सपेंशन कैसे हो रही है, इस मैकेनिज्म को क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा है ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे, और एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है कि किस तरीके से जो है वो रैंक जो है वो 6 मेंबर रैंक 7 मेंबर रैंक के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, ईजी है, आपने इसको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए फर्दर ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है इसको आपने याद रखना है, जब भी माइनो को आपने निकालना है तो उसके लिए बहुत आसान जो एक ट्रिक है वो आपने याद रखनी है कि उसकी डायएजोटाइजेशन आपने कर लेनी है। डायएजोटाइजेशन करोगे तो वो आमतौर पर लो टेम्परेचर पे होती है, 0 to 5 डिग्री पे ऊपर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो आपका प्रॉपरली ये रिएक्शन हो जाता है। डायएजोटाइजेशन कॉमन रिएक्शन है, लेबोरेटरी में भी हम इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट है जिनमें ये रिएक्शन करते हैं। तो इसमें माइनो एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, लेकिन आप इसको डायजोनियम में जब कन्वर्ट करते हो तो ये गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में आपने इसे नहीं निकालना, वरना अमोनिया गुड न्यूक्लोफाइल होता है, वो फिर रीअटैक कर सकता है आपका, फिर वो रिएक्शन जो है ना वो फिर डिस्टर्ब हो सकता है, मीन के वो दोबारा अगर वापस आएगा तो फिर रीजनेबल यील्ड आपको आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट की नहीं मिल सकेगी। तो डायएजोटाइजेशन इज गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू रिमूवल ऑफ अमोनिया। वैसे तो आप इसकी प्रोटोनेशन करें तो अमोनिया की फॉर्म में भी जा सकता है, लेकिन आपने प्रेफर करना है डायएजोटाइजेशन को। ठीक है, तो डायएजोटाइजेशन ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उसका कंप्लीट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये शॉर्ट से मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि पहले ये रीएजेंट है, इसमें नाइट्रस एसिड बनता है, वो रिएक्शन करेगा इसके साथ, डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा, डायजोनियम क्लोराइड जो है वो उसमें से आपने फिर N2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकाल देना है, तो फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, रिंग का ये वाला बांड इधर शिफ्ट होगा, रिंग 6 मेंबर से 7 मेंबर हो जाएगा, और फिर प्रोटॉन को रिमूव करें एंड साइक्लोहेप्टानोन विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में सिर्फ रिंग
एक्सपेंशन भी होगी, रिंग एक्सपेंशन ही होगी, रिंग कंट्रैक्शन भी होती है, जिस तरह पहले हमने वैगनर मिरर में बात की वहां पर भी इस तरह की एग्जांपल हमने देखी। तो रिंग कंट्रैक्शन भी होती है रिंग एक्सपेंशन के साथ। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी एग्जाम्पल है जिनमें रिंग कंट्रैक्शन होती है। साइक्लोहेक्सेन 1-2 डायोल हमारे पास एक, आप इसको सिमेट्रिकल डायोल कंसिडर कर सकते हो। तो इसकी सबसे पहले प्रोटोनेशन करें किसी एक OH की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हम इसकी कर रहे हैं प्रोटोनेशन, तो इसको फिर आप कार्बोनियोमाइन में चेंज कर दें। उसके बाद मतलब यहाँ पे प्रोटोनेशन करके और उसके बाद आपने वाटर निकालना, ये दोनों चीजें मैंने यहीं पे कर दी हैं, ये तो इजी है। उसके बाद आपने इनमें से जाहिर है आपके पास अगर आपने इसको निकाल दिया, लेट से आपने इस OH को निकाल दिया, तो फिर आपने इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, यानी यहां से आप कह सकते हैं कि ये वाला ग्रुप जो है ये कार्बन फिर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहां से डायरेक्ट इन दो का बॉन्ड बन जाएगा, इन दो का, तो आपके पास ये वाला कार्बन रिंग से बाहर हो जाएगा। अब ये कार्बन यहाँ पे आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है, तो जब ये बॉन्ड इनका बन गया तो ये वाला बॉन्ड यानी ये कार्बन आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, और ये वाला जो कार्बन है ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पहले जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे मैंने इसको, ये जो इन सर्कल मैंने किया हुआ, ये जस्ट आपको इस चीज को आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाए कि ये वाला कार्बन जो है वो कौन सी जगह पे आप इसके अंदर हमें नजर आएगा, तो वो यहाँ पे इधर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड डायरेक्ट इस पोजिशन के साथ बन जाएगा और आपका ये वाला कार्बन रिंग से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद ये लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो जाहिर है आप देखेंगे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन अब मैंने शो कर दिया इधर, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी डीप्रोटोनेशन करें तो आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट जो कि एल्डिहाइड है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में चेंज हो रहा है। और अगर आपके पास जो है वो ओरिजिनल जो आपका स्टार्टिंग रिंग होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो और आपके प्रोडक्ट वाले रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कम हो, तो उसको हम फिर रिंग कंट्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे रिंग कंट्रैक्शन का आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ, ठीक है। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू।